हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेंटा शॉट्स। मैं हूं एलजेस नो और आज के वीडियो में हम कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के नए सीजन ट्रेन टू नोवेयर के बारे में बात करेंगे। ये अपडेट काफी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस अपडेट में एक नया मल्टीप्लेयर मैप, स्पाई हंट थीम्ड इवेंट, नए वेपन्स और हर अपडेट की तरह पैच अपडेट्स, नर्व्स, बग्स और बहुत कुछ, लिटरली बहुत कुछ। तो बिना किसी देरी के आइए पकड़ते हैं ट्रेन टू नोवेयर। न्यू मल्टीप्लेयर मैप एक्सप्रेस नाम का एक नया मल्टीप्लेयर मैप आ चुका है गेम में। ये मल्टीप्लेयर मैप में हमें एक सिमेट्रिकल स्टेशन स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, जिसमें प्लेयर्स फ्रीली ट्रैक और प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस कर पाएंगे। इस मैप में गेट एक्टिव होते ही सोल्जर्स को सतर्क रहना होगा कि वो आती ट्रेन से कुछ ले ना जाएं। न्यू पर्क स्पाईक्राफ्ट, ये ब्लैक ऑप्स 2 वाली पर्क अब कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में भी अवेलेबल हो गई है। इसे यूज करके आप एनिमीज के लैंड बेस्ड आइटम्स को हैक करके अपना बना सकते हो। एक सीजनल चैलेंज कंप्लीट करने पर ये पर्क आपकी होगी और आप ट्रॉफी सिस्टम्स, ट्रिप माइंस, सैम टरेंस, सेंट्री गन्स, ट्रांसफॉर्म शील्ड्स और म्यूनिशंस बॉक्सेस को हैक कर पाएंगे। न्यू थीम्ड इवेंट, इस सीजन के ऑपरेशन स्पाई हंट थीम्ड इवेंट में आपको एक स्पाई बनके मल्टीप्लेयर और बैटल रॉयल मोड से क्लूज कलेक्ट करने हैं और उन क्लूज से एनिमी इंटेल इंटरसेप्ट करना है। ये करते करते आप लर्ज गमशू, GKS क्लॉ और चार्म सर्वेंट ऑफ डूम जैसे रिवॉर्ड्स जीत सकते हो। इस इवेंट के दौरान मिशंस में आपकी मदद के लिए इन्फॉर्मेंट से भरा हुआ इंटेल बोर्ड होगा। इन्फॉर्मेंट के एक साइड से इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट करने पर आपको दूसरी साइड के इंटेल इंटरसेप्शन पे ऑटोमेटिक डिस्काउंट मिलेगा। इस थीम्ड इवेंट के बैटल रॉयल मोड में आपको स्पेशल एलिमिनेशन टास्क दिए जाएंगे। इनको कंप्लीट करने पर आपको एडिशनल क्लूज मिलेंगे। एलिमिनेशंस और असिस्ट करने पर आपको अपने टारगेट को लोकेट करने की स्पेशल एबिलिटी मिलेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एबिलिटी टारगेट को भी बता देगी कि वो एक्सपोज हो चुके हैं। और ये इवेंट शुरू होगा सितंबर 16 को और चलेगा सितंबर 29 तक। न्यू ड्रॉप वेपन, सीजन 8 के साथ हमें ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर से आई हुई एक नई स्नाइपर राइफल देखने मिलेगी, जो एक ड्रॉप वेपन है। इस राइफल का नाम है ZRG-20mm और ये एक लार्ज कैलिबर बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल है। इस राइफल के हाई बुलेट स्पीड एनिमीज को काफी डैमेज देती है। कस्टम रूम पैरामीटर मॉडिफिकेशंस, इस अपडेट से आप कस्टम मैचेस के पैरामीटर्स अपने स्वाद अनुसार मॉडिफाई कर पाएंगे। ये फीचर फिलहाल मल्टीप्लेयर और बैटल रॉयल के कुछ मोड्स में अवेलेबल है। इस फीचर द्वारा आप अपने गेम की बहुत सारी चीजें कस्टमाइज करके अपने प्रेफरेंसेस के मुताबिक खेल सकेंगे। ये कस्टमाइजेबल पैरामीटर्स हैं प्लेयर्स की HP, जंप हाइट और एनर्जी रिकवरी रेट, सेफ जोन श्रिंक फ्रीक्वेंसी, एयर ड्रॉप्स की डिलीवरी, टीममेट रिकवरी के रिवाइव रूल्स, क्लासेस का यूसेज, साउंड इंडिकेटर की विजिबिलिटी, आर्मर रिपेयर का रिफ्रेश रूल, एमओ के नंबर्स, थ्रोएबल के नंबर्स, सप्लाई बॉक्सेस, वेपन और व्हीकल्स के रिफ्रेश रूल्स। न्यू मेले वेपन, बटरफ्लाई नाइफ इस सीजन में आया हुआ मेले वेपन है, जो एक सुंदर फोल्डिंग नाइफ है। नाम की सिमिलैरिटीज की वजह से इस बटरफ्लाई नाइफ को अपने घर के बटर नाइफ के साथ कंफ्यूज मत करिएगा। न्यू बैटल रॉयल क्लास इग्नाइटर, अब नए बैटल रॉयल क्लास इग्नाइटर का इस्तेमाल करके आग के भड़कते तार ट्रैप्स सेट कर सकते हैं। ये ट्रैप्स एनिमी ऑपरेटर्स को बर्न करके स्लो कर देते हैं और हर टार ट्रैप काफी सेकंड्स के लिए एक्टिवेट रहता है। इनका इस्तेमाल आप इंपॉर्टेंट लोकेशंस के एक्सेस लोकेशंस को ब्लॉक करने के लिए यूज कर सकते हो। इग्नाइटर यूज करने पर आपको अपनी ही लगाई हुई आग से कोई डेंजर नहीं है, इनफैक्ट आप किसी भी आग या एक्सप्लोजन से रेजिस्टेंट हो जाते हो। न्यू बैटल पास, ट्रेन टू नोवेयर लाई है एक ब्रांड न्यू बैटल पास। इस बैटल पास में नए ऑपरेटर्स, एक नया फंक्शनल वेपन, कैमोज, रिवॉर्ड्स, कॉलिंग कार्ड्स, चार्म्स, कॉर्ड पॉइंट्स जैसे बहुत सारे फ्री और प्रीमियम आइटम्स मिलेंगे। इस बैटल पास के साथ हमें फ्री रिवॉर्ड्स में टीयर 14 में मिलेगा बैटल रॉयल क्लास इग्नाइटर, टीयर 21 में हमें मिलेगी ZRG-20mm स्नाइपर राइफल और टीयर 50 पे स्पाइडर चाओ कॉलिंग कार्ड। प्रीमियम बैटल के साथ हमें मिलेगी मिस्टी की अंडरकवर ऑपरेटर स्किन, सेफा की डबल एजेंट ऑपरेटर स्किन, वैनगार्ड की नॉक्टर्नल इलीट ऑपरेटर स्किन और एडलर की डैपर ऑपरेटर स्किन। इसके अलावा हमारे हाथ आएंगे M13, CBR4, S36, M4 एंड द न्यू ZRG-20mm के नए वेपन ब्लूप्रिंट्स। और जो प्लेयर्स बैटल पास ग्राउंड फोर्सेस सब्सक्रिप्शन लेंगे वो अनलॉक कर पाएंगे डबल एजेंट ऑपरेटर स्किन और एक न्यू AK-47 वेपन ब्लूप्रिंट और एक बैकपैक स्किन। इसके साथ साथ आप एंजॉय करेंगे एक सीजनल 10% बूस्ट अपने प्लेयर XP और वेपन XP पे, और तो और कुछ क्रेट्स पे डिस्काउंट भी मिलेगा। बग फिक्सेस,
लग्जरी मैनर में एक बड़े इशू को फिक्स किया गया है, जहां स्ट्रॉन्ग होल्ड स्क्रैम्बल के सेकेंड पॉइंट का ऑक्यूपाइएबल एरिया बायस नजर आता था। स्ट्रॉन्ग होल्ड स्क्रैम्बल की बात करें तो वहां भी एक इशू को फिक्स किया गया है, जहां स्पेशल सर्कमस्टांसिस में स्ट्रॉन्ग होल्ड को एंटर करने पर प्लेयर्स कैप्चर पॉइंट्स नहीं कमा पा रहे थे। वेपन बैलेंस चेंजेस, इस अपडेट में काफी सारे वेपन्स और ऑपरेटर स्किल्स बफ और नर्फ हुए हैं, तो लेट्स गो डाउन टू दैट लिस्ट। स्वॉर्डफिश का फायर इंटरवल बिटवीन बर्स्ट्स नर्फ हुआ है, उसका एडीएस स्पीड बफ हुआ है, और सिर्फ मल्टीप्लेयर मोड में उसकी हिप फायर बुलेट स्पीड बफ हुई है। फैरो की रिकॉइल और रेंज दोनों नर्फ हुई है। चीकॉन का डैमेज मल्टीप्लायर बफ हुआ है। ओडेन के रिकॉइल को नर्फ और रेंज को बफ किया गया है। PPSH-41 का हॉरिजॉन्टल रिकॉइल नर्फ हुआ है। QXR का डैमेज बफ हुआ है। चॉपर के एडीएस एक्यूरेसी, डैमेज और रेंज बफ हुए हैं। KRM-262 के नॉन प्रिसिशन शॉट्स के फॉल टॉलरेंस, डैमेज और रेंज बफ हुए हैं। हिप फायर सेंट्रल पैलेट्स का स्प्रेड नर्फ हुआ है। JAK-12 के डैमेज मल्टीप्लायर और रेंज दोनों नर्फ हुए हैं। MX-9 का डैमेज बफ हुआ है, साथ ही साथ उसके बैटल रॉयल के स्टैट्स मल्टीप्लेयर मोड के साथ मैच हो गए हैं। LK-24 का गेट हिट फ्लिंच नर्फ हुआ है और उसका डैमेज मल्टीप्लायर बफ हुआ है। SG-40 के रेंज और डैमेज मल्टीप्लायर बफ हुए हैं। AK-47 का डैमेज मल्टीप्लायर बफ हुआ है। अब बात करते हैं मल्टीप्लेयर मोड्स के बफ्स और नर्व्स की। रिएक्टर कोर के डैमेज रेडियस और एनर्जी रिकवरी रेट नर्फ हुए हैं। उसकी एक्टिवेट एनर्जी नीडेड को इंक्रीज कर दी है, जो अपने आप में एक और नर्फ है। ग्रेविटी स्पाइक्स के एनर्जी रिकवरी रेट को बफ किया गया है। क्लॉ में लीथल और टैक्टिकल एडजस्टमेंट्स हुए हैं और साथ ही साथ उसका रिबाउंड बुलेट डैमेज बफ हुआ है। फ्लैश ड्रोन का इफेक्टिव रेडियस नर्फ हुआ है। कंकर्शन ग्रेनेड का इफेक्टिव रेडियस, मैक्स ड्यूरेशन और मिनिमम ड्यूरेशन नर्फ हुआ है। थर्माइट के इफेक्टिव रेडियस और ड्यूरेशन को नर्फ किया गया है। ट्रॉफी सिस्टम का डिटेक्ट रेडियस बफ हुआ है। फ्लैशबैंग ग्रेनेड के इफेक्टिव रेडियस को 10 मीटर्स किया गया है और उसका मैक्स इफेक्टिव ड्यूरेशन बफ हुआ है। कॉन्टैक्ट ग्रेनेड के थ्रो स्पीड, डैमेज और डैमेज रेडियस बफ हुए हैं। मोलोटोव कॉकटेल का ड्यूरेशन बफ हुआ है और इको ग्रेनेड का डिटेक्ट रेडियस बफ किया गया है। अब बैटल रॉयल मोड के बफ्स और नर्व्स की बात करते हैं, तो SVD के रेंज ऑफ फर्स्ट स्टेज, डैमेज मल्टीप्लेयर और बेस वर्टिकल रिकॉइल बफ हुए हैं। टाइप 25 का रेंज और डैमेज बफ हुआ है। GKS की रेंज बफ हुई है। CR-56 AMAX का डैमेज बफ हुआ है। HVK-30 की रेंज, बेस डैमेज और क्लास स्किल एडजस्ट हुई है। क्लाउन का रिचार्ज स्पीड और ट्रैकिंग रेंज बफ हुए हैं। एयरबोन की रिचार्ज स्पीड बफ हुई है और सपोर्ट क्लास में एलाइज को रिवाइव करने का टाइम अपग्रेड के बाद रिड्यूस नहीं होगा, यानी कि नर्फ किया गया है। एंड दैट वाज कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल सीजन 8 ट्रेन टू नोवेयर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया हैंडल्स। और हाँ, अब हम लोगों पे भी है, तो वहां पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। कुछ भी बातचीत करनी है हमसे तो हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लीजिए, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं मिलूंगा आपको अगली बार एक नई वीडियो के साथ। अंटिल देन, स्टे फैंटास्टिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।